सुंदर की सुंदर कौन सुंदर? जिसके साथ तेरी शादी तेरी माँ कमला ने बचपन में तय की थी। रियली? हाँ हाँ, चल जल्दी। तो कौन सी मुश्किल है? आप जब कहें सुंदर को लाकर निशा से मिला सकती हूँ। मिलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कि उसके पास नहीं और क्योंकि उसके पास दौलत नहीं, आप उसका दिल तोड़ देना चाहते हैं। इसमें दिल टूटने की क्या बात है? बिल्कुल, मैंने बचपन से उसके दिल में ये बात डाल के रखी है कि उसकी शादी निशा से होगी। वो निशा से मिला नहीं, लेकिन उसने अपने सपनों में निशा को ही बसा के रखा है। और आज आज मैं उसे जाके कह दूं तो अपने सपनों में जिसे पूछता रहा है वो तेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। देखिए, इन बेकार बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं आपसे कह चुका हूँ ये नामुमकिन। बहुत साल पहले यही शब्द किसी ने आपसे कहे थे, आपकी पत्नी कमला के पिताजी, वो भी दौलत वाले थे और आप एक गरीब इंसान, लेकिन जीत उनकी नहीं आपकी हुई थी। कमला ने सब छोड़कर आपसे नाता छोड़ा था, लेकिन आप ये सब कुछ भूल गए। फिर भी याद रखिए, आपके दौलत की कभी जीत नहीं होगी। अगर जीत होगी तो मेरे और कमला के वचन की। क्या ये बात सच है? मेरी मम्मी ने मेरी शादी उनके बेटे से तय की थी। हाँ, तो फिर डैडी इनकार क्यों कर रहे हैं? तुम क्या चाहती? मैं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन लेकिन क्या? समझो, मेरी जिंदगी में कल कोई आता है, मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है, तो क्या डैडी उससे भी इनकार कर देंगे? बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं। किससे? इनसे। शाबाश भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बताऊं बाबूजी, पिछले कई रोज से दिन रात खड़े होकर अपने सामने सारा काम पूरा करवाया। बैठो बैठो। सोहन, मैं अक्सर सोचता हूं अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो इस उम्र में सारा कारोबार चलाना मेरे लिए नामुमकिन था। जानते हो, तुम्हारे पिता मोहनलाल और मैं कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं निशा के बारे में तुमसे नहीं उनसे बात करता। बाबूजी, आपका यह एहसान मैं उम्र पर नहीं भूलूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें फार्म से इसलिए बुलाया था कि आज की गाड़ी से निशा और मैं दार्जिलिंग जा रहे हैं। निशा की कॉलेज की सहेलियों का कोई बंगाल रिफंड के लिए शो है और मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन बाबूजी, आज आपको तो मेरे साथ फार्म पर चलना होगा। क्यों? वो जो जमीन का झगड़ा चल रहा है ना, कल उसकी नपाई होने वाली। कल ही? जी हाँ। आपको दार्जिलिंग को जरूरी काम से जाना है क्या? हाँ, खैर तुमसे क्या छुपाऊं। दरअसल बात यह है कि आज से कुछ 20 साल पहले मैंने कलकत्ते के सेठ मफलदार से कुछ जमीने 20 पे ली थी। 6 महीने रह गए लीज के खत्म होने को। मफलदार सेठ मर चुके हैं और उनका बेटा पोपटलाल, जो विदाई से भी लौटा है, वो दोबारा लीज में जमीन देने के लिए इनकार कर रहा है। तो आप पोपटलाल से मिले? नहीं भाई, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी, लेकिन सुना है कि वो तफरी के लिए दार्जिलिंग आया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ मैं वहां जाकर उसे मिलूँ और इधर ले आऊँ। वो ये दोस्ती वोस्ती करके कुछ खातिर वातिर करके राजी कर लूं उसे। ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन बाबूजी आपका यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है। डैडी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पोपटलाल को दार्जिलिंग से पहर में बंद करके लेकर आऊंगी। ये सुना भाई, मैं उस कंबल को चिट्ठी लिख लेकर थक गया, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया, और ये पोपटलाल को पिंजरे बंद कर ले आएंगी। यूं व्हाई नॉट, ये काम आप मुझ पर छोड़कर देखिए। बहुत बेहतर साहब, छोड़ दिया आप पर। आप जाइए उनसे बातचीत कीजिए, उनको पकड़ कर यहाँ दे आइए। एक दफा यहाँ पहुंच गए तो फिर मैं उसको शीशे में उतार दूंगा। अभी मैं जाके तैयारी करती हूँ। क्रैक है। देखो माँ, अब तुम इस बात को भूल ही जाओ तो अच्छा है। किस
बात को कि मेरी और निशा की शादी कभी तय हुई थी। क्यों भूल जाऊं? इसलिए कि मैं भूल चुका और उस दिन से भूल चुका हूं जिस दिन मैं जीवन में पहली बार रूप सिंह जी से पिछले बरस कलकत्ते में मिला। उनके अंदाज से मुझे शिवक शक पड़ गया था कि बुढ़े की नीयत ठीक नहीं और मैंने फौरन निशा का ख्याल दिल से निकाल दिया। तू झूठ बोलता है, अंदर से दुखी है और मुझे खुश करने के लिए दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा कुछ भी तो नहीं हुआ है निशा, तो दुनिया में अकेली ही तो नहीं है। इस दुनिया की हर गली हर कूचे में दर्जनों खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं। नहीं, तेरी शादी होगी तो निशा से। कैसे? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना? हाँ, तू जानता है मेरी सहेली कमला में सपने में आई थी, वो मुझे निराश देकर बोली, घबराओ नहीं मालती, तेरा मेरा वचन कोई नहीं तोड़ सकता। निशा दुल्हन बनेगी, दूल्हा कोई और नहीं, तेरा बेटा सुंदर ही बनेगा। सच्ची ऐसा कहा? आपने मेरी तरफ से थैंक यू नहीं बोला? चलो तुम उसके राय करो। अच्छा मैं आप काम की बात सुन लो, कल या परसों की गाड़ी से मैं नीलगांव जा रहा हूँ। नीलगांव? निशा से मिले? नहीं मां, मुझे एक नौकरी मिल गई, एक बहुत बड़े ठेकेदार की, एक बहुत बड़े इंजीनियर की जरूरत है। पहाड़ी काट के सड़क बनाना है, साल भर का काम है, 500 रुपए महावार बंगला और नौकर। देखिए खत आया। इसे कहते हैं भगवान की लीला। क्या मतलब? तू नील। वाह मां, चलो भाई प्रकाश क्या बात? अब क्या इंसान हो, जब से आए हो घर में घुसे हो, चलो मेरे साथ। आज नेशनल थिएटर में बंगाल रिलीफ फंड के लिए नाच गाने का जोरदार प्रोग्राम है, मुफ्त का पास है, सोचा तुम्हारी भी तफरी करा दी जाए। नहीं शुक्रिया, आप अकेले ही जाइए। अरे मिस्टर, दार्जिलिंग शहर की उन हसीन तरीन लड़कियों का डांस है जिनके लिए शहर के आधे से ज्यादा लड़के तो शायर बन गए थे और बाकी जो रह गए वो दीवाने होकर जंगलों में निकल गए। नमूना हाजिर है देखिए। कहिए कहाँ पहुंच गए? कर रहे हो भाई? कोई देख लेगा?
अच्छा निशा, ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? बस कल रात की ट्रेन से वापस नीलगांव जा रही हूँ। वो तो सब मालूम है, लेकिन ये बताओ कल सारा दिन क्या कर रही हो? कल तो बहुत जरूरी काम है। अरे गोली मारो काम को, चलो हम सब कल पिकनिक मनाएंगे। डैडी ने मुझे किसी से मिलने को कहा है। तो क्या सारा दिन मिलती रहोगी? ओहो देखो मामला यूँ है कि डैडी ने कुछ जमीनें कलकत्ते के एक सेठ मिस्टर मुफत लाल से 20 साल पहले लीज पर ली थी। सेठ मुफत लाल मर गए और उनका बेटा लीज बढ़ाने को तैयार नहीं है। बेटे का नाम है पोपट लाल और वो पोपट आजकल दार्जिलिंग के रॉयल होटल में ठहरा है। क्या बात है, कैसा है पोपट? मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। आज रॉयल होटल फोन किया तो वो था नहीं। मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि कल सुबह 9 बजे मुझे वो मिलने आए या फोन कर ले। लेकिन तुम मुझसे बात क्या करोगी? मुझे कुछ बात बात नहीं करना। डैडी ने कहा था किसी भी तरह से नीलगांव ले आना। बस एक बार वो वहाँ पहुँचा डैडी उसे बोतल में उतार लेंगे। लेकिन वो बोतल में उतरने को ज्यादा ही क्यों? एक बार मैं किसी को कहूँ कि चलो मेरे साथ तो इनका बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, यकीन ना आए तो कल सुबह आकर देखो साहबजादे को कैसे बोतल होता है। अच्छा हम सब कल सुबह होटल में आएंगे। ओके गुड नाइट। पोपट लाल सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग मिस निशा, आपसे एक साथ मिलने आए थे। आगे यस, उनका नाम है मिस्टर पोपटलाल। जी आपका नाम मिस्टर पोपटलाल? एग्जैक्टली जी हाँ, मिस्टर पोपटलाल। थैंक यू, जिससे प्लीज टू रूम नंबर 9। अरे तुम देखो तो सही, जिस लड़के का नाम पोपट हो तुम समझ सकती हो कैसा होगा। कैसा? रंग काला, सब छोटा, सोन कुर्ते के बाहर। पोपटलाल, इतने बहुत से पो नहीं, सिर्फ एक पो। जी जी, वैसे लंदन में मेरे दोस्त मुझे मॉन्टो कहके बुलाते हैं। मॉन्टो? एग्जैक्टली। अंदर आ सकता हूँ? ओह यस यस, प्लीज कम इन। थैंक यू। बैठ जाए। ओह यस यस। आप यहाँ अकेली? जी हाँ, तो कहिए। जी जी, आपने मुझे बुलाया था ना? जी ओ यस यस, मैंने आपको बुलाया था। ये तो आपको पता ही है कि मैं रूप सिंह जी की बेटी हूँ। वो तो आपकी सूरत से जाहिर है। हाँ तो आप मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? मैं दरअसल मैं नहीं मिलना चाहती थी, मेरे डैडी से मिलने को कहा था। हाँ, काफी समझदार है आपके डैडी। जी जी, एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आपका? मैंने सच में फोन आने वाला है। यस हेलो हेलो, हाँ भाई देखो मैं हूँ पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। व्हाट? मुबारक नहीं, पोपटलाल। हाँ देखो, मुझे मिस निशा से बात करना है। उनको नहीं करना है। व्हाट? आप कौन है जी? बॉडीगार्ड। अब मुझे मालूम हो गया तुम कितने नीच, कमीने और जलील इंसान हो। What? 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 क्या कहीं मिल जाओ तो सर फोड़ दो। जानते हो इस बदतमीजी का अंजाम? अगर तुम मिस निशा के बॉडीगार्ड हो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अच्छा? Of course, सरदार रूप सिंह तो मुझे खुशामदीन चिट्ठियां भेज रहा है और तुम उनके नौकर मुझसे बदतमीजी से बात करते हो। बिल्कुल, मेरी उनकी पॉलिसी में फर्क है। मैं जानता हूँ लातों के फूस बातों से नहीं मानते, मैं दरअसल तुम्हारी मरम्मत करने वाला हूँ। मरम्मत? What? बात बात क्या, मैं तुम्हारा भुट्टा दबा दूंगा।
छोड़ना चाहूंगा। छोड़ा क्या? किसी से झगड़ा हो रहा था क्या? झगड़ा? मेरा कलकत्ते का बड़ा पुराना दोस्त है, हम अक्सर ऐसी बातें क्या करते हैं। मैं तो डर गई थी। हाँ, गांव वाले जरा जल्दी ही डर जाया करते हैं। What do you mean गांव वाले? आप नीलगांव से आई हैं ना? तो क्या हुआ, मैं हमेशा दार्जिलिंग में रही हूँ, यही के कॉलेज से बीए किया है। अच्छा, वैसे तो आजकल गाँव वाले भी काफी तरक्की कर रहे हैं, काफी तरक्की। तो आपके पिताजी ने मुझसे मिलने को कहा था? जी, बल्कि उन्हें बड़ी खुशी होगी अगर आज रात की गाड़ी से आप मेरे साथ नीलगांव चले। आपके साथ? जी, बड़ी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत बाग, खूबसूरत फूल, खूबसूरत जानवर। देखिए, ये बाग, फूल, जानवर, गाय, भैंस गांव वालों को भी पसंद आती हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं शहर का रहने वाला हूँ, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस होके आ रहा हूँ। मुझे ये बाग, फूल और जानवरों की खूबसूरती गाँव में खींच के नहीं ले जा सकती है। हाँ, अगर कोई खूबसूरती मुझे वहां ले जा सकती है तो वो है आपकी खूबसूरत आंखें। रियली? रियली। तो फिर आप मेरे साथ चल रहे हैं? जी मैं। क्यों करूंगा क्या मैं वहां जाकर, आपके डैडी की और मेरी उम्र एक नहीं, किसके साथ बात करूंगा? मुझसे? किसके साथ घूमूंगा? मेरे साथ। मैं मानता हूं कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन आंखें तो दुनिया में सब कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, आंखों से इंसान दिल में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उस दिल में किसी गाय, भैंस या बकरी की मोहब्बत हो तो आप समझती हैं क्या अंजाम होगा? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए, मैं जानतारों की बात करूंगा, आप गोभी के फूल या कद्दू बैंगन की बात करेंगे। मैं शेर शायरी सुनाऊंगा, आप कहेंगी कि मेरी गाय ने आज 20 से दूध दिया, मेरी बकरी ने आज। आपको इतनी गवार लगती हूँ? देखिए, गांव वाले जरा सी बात तो झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा तो आप कर रहे हैं, मालूम है आपको, मैं दुनिया के हर मजमून, हर मसले पर आपसे बात कर सकती हूँ, हर सोसाइटी में जा सकती हूँ, हर किस्म का नाच और गाना जानती हूँ। Really? हो सकता है आप सच कह रही हो, लेकिन ना जाने मुझे क्यों विश्वास नहीं हो रहा, आप वाकई गाना नाच जानती है? हाँ, अभी मत शुरू कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे भी दार्जिलिंग क्लब जाना है, वहाँ जैम सेशन है और मिस पोनी के नाच गाने का प्रोग्राम है, आप जानती है मिस पोनी को? उतार लिया बोतल में। अरे तुम देखो तो सही, अभी जाके होश ठिकाने लगाती हूँ। कैसे? अभी जाके मिस पोनी को मिस डोंकी नहीं बनाया तो मेरा नाम नहीं। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। Thank you.
बहुत गहरी चोट लगी है। कहाँ? कहाँ चोट लगी है? घुटने में। समझ रहे हैं जैसे मैं इन पर मर लेती हूँ। चंद रोज का साथ मिल जाए तो दीवाना बना दूं मैं साहब। माना कि तुम काफी स्मार्ट हो लेकिन मुझे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। हाँ लग चुकी है बुझाना मुश्किल है। डैडी के कहने पर तुम्हें साथ ले जाना है वरना तुम्हारे पास एक मिनट नहीं बैठू। वैसे तुम अगर मुझसे अच्छी तरह बात करो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद कर सकती हूँ लेकिन मोहब्बत इम्पॉसिबल। क्या कहा मोहब्बत इम्पॉसिबल? जी बिल्कुल। जी नहीं वो तो एक ड्रामे का डायलॉग याद आ गया। कहीं जीवन का ड्रामा तो नहीं? जी नहीं बिल्कुल नहीं। ये ट्रक रुकता क्यों नहीं? ये देसी ट्रक दो ही हालातों में रुका करते हैं एक तो जब इंजन खराब हो जाए तब उसे जब कोई भैंस वैंस टक्कर खा जाए तब। ये की बातें करते हैं आप? लंदन में बातों का लड़कियां मरा करती थी और अपनी देसी लड़कियां हैं कि बातों का जीप समझती है। खैर समझ समझ की बात है हम भी कहां फंसे आकर। तो आप क्या समझ रहे हैं मुझे आपके साथ बैठकर यहाँ बड़ी खुशी हो रही है? अगर आप खुश हो भी कैसे सकती हैं आपको तो अपने टाइप का आदमी चाहिए ना। व्हाट डू यू मीन अपना ही टाइप? आप मेरे साथ उलझना चाहती हैं? आप उलझना चाहते हैं आप जब से मिले हैं आप बस यही नहीं किया था जब से आपसे मिला क्या इसीलिए नाराज हूँ? कमाल है भाई कहाँ ला के छोड़। बात यह है कि हम जरा जल्दी में थे सामने आ गया तुम्हारा ट्रक जाना कहीं और था आ गया ठीक है ना। भला हम कितनी दूर आ गए शहर से? 25-30 मील। 25-30 मील? अरे बाप रे मैंने कहा दोस्त है दोस्त जरा इसे ठीक है कि हमें वापस पहुंचा दो 10-20 रुपए ले लेना। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे ऐसी भी क्या वापस है वो 30 रुपए पर सौदा तेरा नकद पेश की हरे भरे नोट। अबे मान जा ले यार। ऐसा मालूम होता है आप दोनों की अभी नई नई शादी हुई है? नहीं अभी नहीं हुई है। तो अभी होने वाली है? कुछ ऐसी ही बात है। तुम उसे ठीक करो हम वहां बैठते हैं। मैंने कहा उस्ताद साहब का बटवा 400-500 रुपए की रकम मालूम होती है? मैं भी यही सोच रहा था। लड्डू है क्या? पूरा डिब्बा भरा हुआ अभी पहुंचाता हूं। अजीब गधा है ये मुछोड़। मालूम होता है आप लोगों की नई नई शादी हुई है। भला किसी भी हिसाब से आप मेरी पत्नी लग सकती? आप भी किसी हिसाब से मेरे पति नहीं लग सकते। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने कहा सरकार ये मेरे मंगनी के लड्डू हैं शौक फरमाइए। क्या बात है दोस्त मुझे भूख भी लग रही थी। लीजिए मैम साहब मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहिए मैम साहब गरीब का दिल टूट जाएगा। गरीब का दिल टूट जाएगा। शुक्रिया। लवली आसमान चक्कर खा रहा ना? हाँ बड़े जोरों में। आसमान चक्कर नहीं खा रहा मेम साहब मेरी और आपकी खोपड़ी चक्कर खा रही है। भाई लोगों ने लड्डुओं में कुछ मिला दिया है। क्या? भांग भांग होगी। भांग? इन लोगों का इरादा बड़ा खतरनाक है। क्या करेंगे ये लोग? पता नहीं आपके बारे में इनकी क्या राय है लेकिन मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा इन्हें मेरे बटुए का फिगर पसंद आया है। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरे हाथ पांव बेसुध हो चुके हैं और ये लोग बड़े इत्मीनान के साथ मेरा लोटों भरा बटुआ निकाल के ले जाएंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? बड़े होशियार बनते थे ना अब मजा आएगा। और अगर मेरे बटुए के साथ ही आपको भी उठा के लेगे तो? मुझे मुझे क्यों नहीं जाएंगे? ये तो वही जाने लेकिन ये भी हो सकता है। तो कुछ कीजिए ना। क्या करूं? क्या करूं? ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे और आप देखते रहेंगे। मजबूरी है। वैसे अगर मुझे आपसे मोहब्बत होती या आपको मुझसे मोहब्बत होती तो मैं जान की बाजी लगा सकता था लेकिन ऐसी तो बात ही नहीं। जी नहीं ये बात नहीं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। खाली पसंद करने से क्या होता है? मैं आपसे मोहब्बत भी करती हूँ। सच? हाँ। कितनी मोहब्बत? इतनी बहुत सी। आप बेवकूफ बना रही हैं मुझे।
जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सच्ची आपसे मोहब्बत है। मेरे दिल में आपके लिए बहुत से अरमान, बहुत से तमन्नाएं और बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी हुई है। मेरा मतलब है मुझे आपसे। जब दिल में खोट हो तो नजरें नहीं मिलाई जाती। वैसे अगर आप झूठी मोहब्बत का करार ना भी करती तो भी मैं जान की बाजी लगा देता। आप जैसे मैं कहूँगा वैसे कीजिएगा। अच्छा। जितना लदुगना दिखाइएगा। अच्छा। हंसिए, गिरिए, पागलों की तरह। अच्छा। रेडी? हाँ। One, हाँ। Two, three. सच्ची बात सुंदर है। उफ युम्मा। दिल रुबा हो तुम पर जहां पिता हो।
हम तो हैं क्या कुछ भी नहीं, तुम साहसी कोई नहीं, तुम तो चांद का टुकड़ा हो, ये शोखी उफ़ियुम्मा, ये शरारत उफ़ियुम्मा, प्यार क्यों न होगा ये अज़ाए उफ़ियुम्मा, ये मौसम उफ़ियुम्मा, ये धड़कन उफ़ियुम्मा, कैसे दिल परोसा कोई थामी उफ़ियुम्मा, ये आँखें उफ़ियुम्मा। सपना हो ये काजल उफ़ियुम्मा, ये चितवन उफ़ियुम्मा, प्यार क्यों न होगा ये अदाए उफ़ियुम्मा, ये मौसम उफ़ियुम्मा, ये धड़कन उफ़ियुम्मा, कैसे दिल परोसा कोई थामी उफ़ियुम्मा, ये आँखें जब आप उठेंगी मैं जा चुका हूँ। आज सारा दिन जो कुछ हुआ मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, और शायद आपके जीवन में भी कोई दिन आज जैसा ना होगा। मैं जानता हूँ सब नशे का असर था, मगर कहीं ये मोहब्बत का नशा होता तो सोचिए फिर इस दिन की क्या बहार होती। बात आजमाने की है, अगर कहीं आजमाने को जी चाहे तो आँख खून के तीन बार मेरा नाम मॉन्टो पुकार लीजिएगा, मैं आपके सामने आऊँगा। Royal Hotel, I would like to speak to Mr. Monto.
आई मीन मिस्टर पोपट लाल चले गए। सुबह तो तू कहता था कल या परसों जाना है और अब एकदम से बात है माँ की नौकरी का मामला है जरा जल्दी जाना अच्छा नहीं चलते नहीं 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 अपनी माँ भी नहीं मैं जरा जाके कॉटेज वॉटेज ठीक कर लूँ तुम कल या परसों जाना हा? मैं चाहती थी किसी भी तरह एक बार निशा से तेरी मुलाकात हो जाए। अच्छा एक बार वो राजी हो जाए तो रूप सिंह जी उसकी बात कभी नहीं टाल सकते। अच्छा सुना है वो उसे बहुत चाहते हैं। अच्छा अरे तू कुछ सुन भी रहा है या अच्छा अच्छा ही कह रहा है। अच्छा माँ तुम बिल्कुल फिक्र ना करो सब मामला ठीक हो जाएगा एकदम ठीक जानेंगे बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम अरे मुझे प्यार तो करने दे। अबे कोली जाइए आगे आप आगे बहुत देर में आ रहे हैं चलो 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 कोली 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 जल्दी करो सामान डालो। Hey you, क्या बात है? बात बहुत खतरनाक है। क्या बात है? दरअसल बात यह है कि इस डिब्बे में हम दोनों ही नहीं कोई और भी है। कौन? लड़की। लड़की अंदर है। अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेकिन एकदम पागल। व्हाट Thank you.
अगर कहीं मोहब्बत का नशा होता तो सोचिए फिर इस दिन की क्या बहार होती। बात आजमाने की है, अगर कहीं आजमाने को जी चाहे तो आंख मूंद के 3 बार मेरा नाम मौन पर पुकार दीजिएगा, मैं आपके सामने होगा। मेरे लिए आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। अच्छा? खफा होने की जरूरत नहीं, मोहब्बत में ऐसे होता है, काफी तकलीफ की चीज है, यानी कि आपका कोई कसूर नहीं, इसलिए कि आपके दिल में भी वही आग लग चुकी है जो कि मेरे दिल में। आप भाई सब धोखे में हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जी। और मेरे दिल में कोई आग नहीं लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे किस लिए होगा? यही साबित करने के लिए कि मुझे पता है कंपार्टमेंट में मेरी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं, मेरे आने से आपको कोई खुशी नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं चला जाऊँ आपको कोई भी ब्रांच नहीं? जरा सा भी नहीं। यकीन मानिए मैं चला भी जाऊंगा। मैं चलती ट्रेन से छलांग लगा दूंगा। लगाइए। अभी बात क्या साथ पकड़ेंगे? अब कहीं तो आपके लिए दरवाजा खोल दूं? ये बात है, ये बात है। ये भी देख लीजिए जान कैसे दी जाती है। ऐ हसीन नजारों, ऐ जगमगाते कान तावा रहना मेरी मौत से। मैं साहब आपका परवाना, आपका कुर्बान होने वाला है, मेरा आखिरी प्रणाम। अच्छा, तो कब मुलाकात होगी? क्या मतलब? मतलब यह है कि आप तो अपने घर जाएंगे और मैं क्या होटल वोटल देखता हूँ? आपको पता नहीं है कोई होटल वोटल नहीं, ये इलाका बिल्कुल जंगल है। अपने डैडी ने आपको बुलाया भी है, आप मेरे साथ घर चलिए। लेकिन 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 बात आप ये सोच रहे हैं कि वो मुझे लेने नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ? बात दरअसल ये है कि इस वक्त घर पर डैडी नहीं है, वो फार्म पर गए हुए, कुछ जमीनों का झगड़ा है, तो एक रोज में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि घर में सिर्फ मैं और आप? मेरी आंटी जी भी है। आई सी। आई सी। अच्छा, तो आप सामान लेके बात करिए, मैं अखबार लेके आता हूँ। ओके, कुली सामान उठाओ। कहा था ना मैंने, बिल्कुल पागल है। मेरा सामान ले गई होगी सेक्रेटरी, सामान देखो। पोपट लाल, माफ कीजिएगा, आप पोपट लाल जी हैं? यस। सदब हो गया, सदब हो गया। क्यों, क्या बात? साहब मैं सरदार रूप सिंह जी का मुनीम हूँ, उन्हें मालूम हुआ कि आप दार्जिलिंग आए में, तो आप लोगों से मिलने दार्जिलिंग गए हैं। ओ माय गुडनेस सेक्रेटरी, और बहुत पैसा लेकर गए हैं। वापस जाना होगा? यकीन है। दार्जिलिंग दूसरी ट्रेन कब जाती है? बस यही जाएगी, 10 मिनट के बाद। सेक्रेटरी सामान डालो, वापस जल्दी करो। हरी अब चलिए, मैं जरा लेट हो गया। That's all right. सोहन बाबू, फार्म पर तो आप सरदार रूप सिंह से ये कह के आए थे कि पटवारी से मिलने जा रहे हैं और आ गए यहाँ, ये मामला क्या है? वादा 10,000 का था। हर दूसरे तीसरे महीने इतने का इंतजाम कैसे हो सकता है? अगर सरदार साहब को शक हो गया तो मेरी नौकरी जाती रहेगी,
और मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो आपकी जान जाएगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इतने रुपए का इंतजाम कहाँ से करूँगा? सुना है सरदार रूप सिंह एक पैसा भी बैंक में नहीं रखता, उसके जिंदगी भर की कमाई उसके घर की तिजोरी में रहती है। तिजोरी की चाबी गायब करना आपके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन सिर्फ 3 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 3 महीने में मेरा रुपया नहीं मिला तो आपका राज पुलिस के हवाले होगा। ना माने सरकार तो एक बात पूछूं क्या? ये बुढ़ा खन्ना आखिर है कौन और आप इसके चंगुल में कैसे फंस गए? कोई 1.5 साल पुरानी बात है। तुम्हें याद होगा कि निशा की एक सहेली शांति कुछ दिनों के लिए आकर निशा के पास ठहरी थी। वो भी याद है सरकार, बल्कि ये भी याद है कि एक रात जब निशा जी की तबीयत खराब थी तो आप मिस शांति को जीप में बिठा कर घुमाने ले गए थे। ओ, और उस रात के बाद हम हर रात छुप छुप कर मिलते रहे और फिर जो वो एक रात को आई तो उसने मुंह छुपा कर रोना शुरू कर दिया। बात क्या है? बोलती क्यों नहीं? मैं इस बात को और नहीं छुपा सकती। किस बात को? ये तुम्हारी और हमारी मुसीबत होने वाली है। मुसीबत? हाँ, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। मैं जानती हूँ सरदार रूप सिंह जी निशा की शादी तुमसे करना चाहते हैं, लेकिन निशा मेरी सहेली, मैं उसे सब कुछ समझा सकती हूँ। नहीं, उसे इस बात का जिक्र न करना। क्यों, तुम निशा से शादी करना चाहते हो? नहीं, ये बात नहीं। मैंने समझा बुझा कर उसको कलकत्ता भेज दिया। कुछ दिनों बाद मैं भी कलकत्ता पहुंचा। शांति एम्पीरियल होटल में ठहरी हुई थी। रात आई तो मैं उसके कमरे में गया। मैं जानती थी तुम जिस दिन आए उसके दूसरे ही दिन हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन इस राज को कब तक छुपाती? मैंने निशा को आज ही चिट्ठी लिखी है। निशा को? हाँ, अभी थोड़ी देर हुई है, होटल के मैनेजर को देकर आई हूँ कि इसे पोस्ट करा दे। कितनी देर हुई? कोई घंटा भर हुआ। क्या लिखा है? सारा हाल, वो मेरी सहेली है, उससे क्या छुपाना, तुम्हारे आने का और शादी के बारे में सब कुछ लिख डाला है। माय बिल प्लीज। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ही आया और आज ही चला, दरअसल एक जरूरी टेलीग्राम आ गया था। चुप रहे कि जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। अंदर आ जाइए तो बेहतर होगा। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, घबराइए नहीं। सुबह से पहले पुलिस को खबर नहीं होगी और उस वक्त तक आप नीलगांव वापस पहुंच चुके होंगे। आपको कैसे मालूम कि मैं नीलगांव से आया हूं? जी, मुझे आपके मुतालिक सब कुछ मालूम है। मिस शांति ने अपनी सहेली निशा के नाम जो चिट्ठी लिखी थी वो मेरे पास मौजूद है। आपके पास? जी हाँ, मैं उसे पोस्ट करवाना भूल गया था। वो खत आप मुझे दे सकते हैं और इसके बारे में खामोश भी रह सकते हैं, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं तो हुक्म का गुलाम सरकार, जैसा आप फरमाएं। चलाइए वो चिट्ठी। कीमत 50,000 रुपए। 50,000? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। जब रकम पूरी हो जाएगी मैं चिट्ठी आपके हवाले कर दूंगा। इस वक्त जेब में कितना है? तकरीबन 5,000। कोई मजाक नहीं, 5 ही चलेंगे। लेकिन मुझे इसका कैसे यकीन हो कि पुलिस मुझ पर बिल्कुल शक नहीं करेगी? आप परवाह न कीजिए, आप यहाँ से दूर अपने गांव में आराम कर रहे होंगे और पुलिस किसी अनाड़ी के चक्कर में। उस दिन से मैं खन्ना के चुंगल में हूँ,
क्योंकि शांति की चिट्ठी उसके पास है और मुझे यकीन है कि वो 50,000 रुपया लेने के बाद भी वो चिट्ठी मुझे नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी निशा की शादी होने वाली है और मैं लाखों रुपए का मालिक बनने वाला हूँ। बेहतरीन पॉलिसी तो ये है सरकार कि अभी आप उस खन्ना को भूल ही जाइए, उसे बाद में समझ लेंगे। आप ये बताइए कि शादी कब तक करना है? सरदार साहब कह रहे थे कि वो अगले महीने निशा के जन्मदिन पर शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा निशा आ जाए तो बात कर लीजिए। बात बात जाने दीजिए सरकार, आप तो शादी कर ही डालिए, बुढ़े का कुछ भरोसा नहीं कब बदल जाए। बुढ़ा तो बदलने वाला नहीं, डर है तो मुझे उस लड़की का। आ गए आप? कपड़े बदलने में इतनी देर? मगर जाना कहाँ? चलिए तो, लंदन पेरिस भूल जाएंगे। चलिए 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 चलिए। बाय बाय आंटी। बाय बाय आंटी। मिलना जुलना पसंद ना करें और मैं फिर भी तुमसे मिलना चाहूं, जानती हूं मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? मैं इस पेड़ के पास आकर तुम्हें पुकारूंगा और तुम मेरे पास चली आना। आओगी ना मेरे पास? प्रॉमिस। बड़े मक्कार होते हैं। ऐसे बालों की खूबसूरत बेटियां उनसे भी ज्यादा मक्कार होते हैं। क्या मक्कारी की है मैंने आपके साथ? मौका नहीं दिया आपको। वैसे आपके ख्याल में मेरा इरादा मक्कारी का है? इरादा ना होता तो आप मुझे लाती क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपकी आंखें एक धोखा है, आपकी बातें बनावट है और आपकी ये मेहरबानी सिर्फ चंद लम्हों की है। और मैं आपको सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि डैडी को आपकी चंद सड़ी हुई जमीनों के लीज पर दस्तखत करवाना है। Oh gosh, मुझे पता नहीं था मुझे इतना नीच समझते। Look, I never meant that. I know what is at the back of your mind. But look. But there's nothing to look. मेरी बात तो सुनो बाबा। I'm not your baba or baby. You go to hell. Nisha. क्या हुआ? मुझे आगे नहीं लाओ टिकट हो। आप मुझे बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हाँ सूझ जाएंगे। आपका पाँव तो नहीं है? जाहिर है मेरा पाँव नहीं है, लेकिन मुझे किसी के भी सूझे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। किसको फिक्र है आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा? सच्ची जब तुम लड़ती हो लड़ती हो लड़ती हो तो बिल्कुल वो लगती है। वो क्या होता है? गाँव वाली। डोंट यू कॉल मी गाँव, यू आर गाँव वाला। मोंटू, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पता नहीं था तुम्हारे पीछे गड्ढा है। आई एम सॉरी मोंटू, प्लीज होश में आओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। तुम कहोगे वो मैं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्रॉमिस। मैं मुंह हाथों के भी आया।
क्या बात है? यही है वो? जी हाँ, कल शाम को मिस शांति 5000 का चेंज मांगने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर आई। मैंने कहा छुट्टा नहीं। उस वक्त ये शरीफजादे भी काउंटर के पड़े हुए थे। मिस शांति ऊपर गई, ये उनके पीछे। फिर मैंने इन्हें मिस शांति के कमरे में जाते हुए देखा। ये सब मामला क्या है इन्हें आप जानते हैं? ये आपकी तस्वीर है? ये मिस शांति के सूटकेस में पाई गई है। मैं शांति? कौन मिस शांति? मैं मिस शांति नहीं जानता। ये, 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 आपके पास इस वक्त कितना रुपया है? रुपया? मेरा ख्याल है कि शायद 200 या 300। आप मुझे दिखा सकते हैं? सुंदर नाथ के और गवाहों के बयान से यह साबित हो चुका है कि 15 तारीख की रात को मुसम्मी सुंदर अपने दोस्त सुबोध मुखर्जी की शादी में उनके मकान पर सारी रात थे। अदालत को यकीन है कि मिस शांति के कब्ज़े से उनका कोई वास्ता नहीं, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। नहीं खाना ये आपको कहाँ मिली? कबाड़ में। किसकी तस्वीर है? मेरी बहन की। बहन? यूं तो वो मेरी सहेली थी, लेकिन स्कूल से कॉलेज तक हम दोनों एक ही क्लास में थे। और फिर? मेरा मतलब है आप दोनों कैसे बिछड़ गए? किसी ने उसका खून कर दिया। किसने? ये सारा वाकया कलकत्ते में हुआ था। जब मुझे इसकी खबर मिली तो मुझे ऐसा शॉक पहुंचा कि मैं एकदम बीमार हो गई। डॉक्टरों ने सबको मना कर दिया कि इसके बारे में मुझसे कोई बात ना करे। अच्छे हो जाने के बाद भी सारी बात मुझसे राज रखी गई। फिर भी मुझे बहुत कुछ मालूम होता रहा। क्या? यही कि किसी जलील इंसान ने 5000 रुपये के लिए शांति का खून कर दिया। वो कातिल पकड़ा भी गया, लेकिन अदालत के सामने झूठे गवाह पेश करके भी कत्ल का इल्जाम झूठा साबित कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है हो सकता है असली कातिल कोई और हो। नामुमकिन। पुलिस की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि कातिल ने शांति को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था, इसलिए कातिल की तस्वीर शांति के सूटकेस में पाई गई। और जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से वो 5000 रुपये निकले। और उसके अलावा उस होटल के मैनेजर का आंखों देखा बयान है जो पूरी तरह साबित करता है कातिल वही है। फिर अदालत कैसे धोखा खा सकती है? झूठी गवाहियां, झूठे बयान, लेकिन सारी दुनिया को यकीन है कि खून उसी ने किया है। और पुलिस इस वाकये की फिर से छानबीन कर रही है, और मुझे यकीन है एक न एक दिन पुलिस फिर उसे पकड़ेगी, और इस बार वो नहीं बच सकेगा। और ये भी हो सकता है इस बार पुलिस असली कातिल को पकड़ ले। फिर आप कह रहे हैं असली कातिल? असली कातिल वही है, इसके बारे में न मुझे कोई शक है न किसी को।
आप नाम जानती हैं उसका? नाम और पता मालूम होता तो मैं खुद ही उसका गला घोटती थी। डैडी आ गए, मैं जाकर उन्हें खबर करती हूँ। मेरा उनसे वादा था कि मैं मिस्टर पोपटलाल को अपने साथ लेकर आऊंगी। सरदार रूप सिंह जी। जी माय नेम इज पोपटलाल। सेक्रेटरी बोलो। हाँ हाँ सेक्रेटरी बोला। हाँ ओ पोपटलाल जी। सोहन पोपटलाल जी नमस्ते। श्योर राइट। बड़ा अच्छा हो गया आप आ गए। दरअसल मैंने अपनी बेटी से कहा था। डैडी निशा इनसे मिलिए, ये पोपटलाल जी हैं। जी पोपटलाल जी जिनकी जमीन हमारे पास है। गुंडे लफंगे, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। निशा डैडी ये एक नंबर का 420 है। निशा घबराइए नहीं सरदार साहब, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता, लेकिन आपको इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी 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 आजकल के डॉक्टर बड़े से बड़े पागल को एकदम ठीक कर सकते हैं। पागल बच्चे क्या हो गया तुम्हें निशा? डैडी आपको पता नहीं है कि पोपटलाल नहीं है, पोपटलाल जी दार्जिलिंग से मेरे साथ आए हैं। तुम्हारे साथ? हाँ, और आपको अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। चलिए मेरे साथ। चलिए सेक्रेटरी फॉलो मी। हाँ जी बुला बुला। जी आई टोल्ड यू आई एम द ओनली पोपटलाल। अब आप मानते हैं? सेक्रेटरी बोलो। हाँ सेक्रेटरी बोलो। हाँ आई टोल्ड यू मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, तूफान मेल दुनिया ये दुनिया। ए कौन है बे? सेक्रेटरी जरा तभी से रहा करो। सेक्रेटरी के बच्चे नीचे लोग खाने पर इंतजार कर रहे हैं। खाना? वेरी गुड आइडिया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फूड मिलेगा, मुर्गा खाऊंगा। बड्डे को चाली। हाँ बहुत होशियारी से काम लेने का है। तुम फिक्र ना करो चिंटू, मैं उस बुड्ढे को यूं फंसा लूंगा। और अगर नहीं फंसाया तो सारी जवानी जेल में कटेगी। जेल में? और अगर कामयाब हो गए तो कल लाख रुपए हमारे होंगे। लाख रुपया? और उसके बाद 50-50। 50-50 सारी मेहनत मैं करूं, 50। Oh, I must say, the food is wonderful, the wonderful food. Secretary बोलो। हाँ हाँ Secretary बोला। हाँ ये क्या? आपने तो कुछ लिया ही नहीं। आप फिक्र न कीजिए, मैं उस बदमाश का पता लगा कर ही रहूंगा। और जब वो मिल जाए तो मेरे पास ले आना, मैं उसकी बोटी उड़ा दूंगा। वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल सेक्रेटरी, वंडरफुल। हाँ तो पोपटलाल जी, अब कितने रोज यहाँ ठहरने का इरादा है? यू सी मेरी जो जमीन है आपके पास है उसका आप लीज एक्सटेंड करने के लिए आए? नो मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। सेक्रेटरी बोलो। हाँ सेक्रेटरी बोला। हाँ पोपटलाल जी, आप उन जमीनों को बेचना चाहते हैं? एग्जैक्टली। एक प्लांटर का मेरे पास लाख रुपए का ऑफर है। सेक्रेटरी बोलो। हाँ लेकिन पोपटलाल जी, उन जमीनों पे सबसे पहला हक तो मेरा है, आप उन्हें किसी दूसरे को हरगिज नहीं बेच सकते। लेकिन मैं उस प्लांटर को जमान दे चुका हूँ। सेक्रेटरी एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली? मैं जमीन सरदार साहब को देना चाहता हूँ। लेकिन शट अप सरदार साहब, जमीनें आपकी हैं। ओह आई एम सॉरी, कल सुबह आप मुझे लाख रुपए दे दीजिए। कल सुबह? बात यह है कि मेरा वकील दार्जिलिंग गया हुआ है, उसके आते ही मैं कर्जा तैयार करवा लूंगा। कुल 10-15 रोज का सवाल है।
15 रोज मैं इतने दिन कैसे रुक सकता हूँ सेक्रेटरी? आप क्या बात कर रहे हैं बोबर लाल जी? अरे बड़ी खूबसूरत जगह है, आपको बहुत सैर कराई जाएगी। और फिर इस महीने में मेरी बेटी निशा का जन्मदिन भी है। ओह जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओह आई एम सॉरी। सिर्फ जन्मदिन ही नहीं बल्कि उसी दिन निशा की शादी भी है। जी हाँ, मेरे दोस्त के बेटे और मेरे मैनेजर से सोनलाल के साथ ऐसी धूमधाम से शादी होगी कि इस बस्ती में कभी नहीं हुई। व्हाट्स द मैटर विद हर? दरअसल वो आज के वाकये से इतनी परेशान है, उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितने मुद्दत के बाद ये काम फिर से शुरू हो गया। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमसे बोलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम अपना काम करो, मैं जरा चक्कर लगा कर आता हूँ। मुझसे अब तक तुमने कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हें अपनी शादी से तो कोई इतराज नहीं? तुम भी अजीब हो भैया, ये बात भी तुम्हारे पूछने की है? अच्छी बात है, तुम ही पूछ के बता देना। अरे हाँ बेटी, वो ठेकेदार अरब साहब है ना, आज रात को उनके यहाँ जश्न है, हम सबको बुलाया है। ये पोपटाल अजीब टाइप के हैं, लाख कहा वहां जाने को तैयार नहीं। मैं उन्हें अकेला छोड़कर जा नहीं सकता। ऐसा करो सोहन के साथ तुम वहां चली जाओ, अरब साहब खुश हो जाएंगे। मैं आज कहीं नहीं जाना चाहती दादी। क्यों? मेरा जी नहीं चाहता। अरे वहां जाके जी बहल जाएगा, जानती हो अरब साहब की लड़कियां बहुत अच्छा नाच गाना जानती है, बड़ा जोरदार प्रोग्राम होगा। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छी बात है भाई, मत जाओ। क्या बहुत प्यार हो गया था उससे? प्यार? फिर ये शोक किस बात का है? शोक? कैसा शोक? मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं। और फिर परवाह हो भी तो किसके लिए? एक धोखेबाज, एक मक्कार के लिए? और फिर मैं उससे वास्ता ही क्या, रिश्ता ही क्या है? ये अपने आप को समझा रही हो या मुझे? आपको। मैं तो समझ चुकी हूँ। आप कुछ नहीं समझी, क्योंकि मैं दिन भर बाहर नहीं निकली, अरब साहब के जश्न में नहीं जा रही, इसलिए आप सोच रही है कि मैं। अच्छी बात है, जाइए डैडी से कह दीजिए मैं अरब साहब की पार्टी में जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और मुझे कोई गम नहीं कोई दुख नहीं। Thank you.
चलिए अब आप भी कुछ कहिए। चंद शेर सुनाती हूँ, किसी का जिक्र नहीं, जमाने की बात है। इस हिरसो हवस की दुनिया में अरमान बदलते देखे हैं, धोखा है यहाँ, लालच है यहाँ, ईमान बदलते देखे हैं, दौलत के सुनहरे जादू से ए दिल ये तड़पना अच्छा है, चांदी के खनकते सिक्कों पर इंसान बदलते। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आँखों की छलक थी मैं पर, मेरा हक था तेरी आँखों की छलक थी मैं पर, चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी। आपको तो मालूम ही है कि हमारी शादी होने वाली है, अब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए कुछ देर बैठकर बातें करें। ये बात करने का समय नहीं है। गुड नाइट।
I said good night. Good night. चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करना है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। अगर बात ना करना होती तो तुम्हें दरवाजा खोला ना छोड़ती। इससे पहले कि तुम अपनी नफरत का इजहार करो, मुझे सिर्फ दो बातें कर लेना। तुम्हारा सारा गुस्सा इसीलिए है ना कि तुम मुझे कोई चोर या डाकू समझ रही हो, जो कि पोपट लाल का ढोंग रचा के तुम्हारे पिताजी को लूटने आया था। लेकिन ये सही नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, तुमसे बहुत पहले तुम्हारे पिताजी मुझसे मिल चुके हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें सिर्फ जानता ही नहीं, अच्छी तरह पहचानता भी हूँ। अगर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें इस वक्त बहुत सजा देता कि तुम जेल मरने बोलते। वो क्या तक रहे हो? अगर खैरियत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, किधर का रुख ना करना। जो अपनी जान पर खेलने आया हो वो इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं। सरदार साहब, मैं फैसले के लिए आया हूं। फैसले से पहले मेरी यहां से लाश जा सकती है। मैंने कैसा फैसला? मेरी और निशा की जिंदगी का। तुम्हें निशा की जिंदगी से क्या वास्ता? मुझे निशा की जिंदगी से वही वास्ता है जो कि निशा को मेरी जिंदगी से है। और ये वास्ता आज का नहीं बल्कि मेरी और निशा की पैदाइश से पहले का है। इस बारे में तुम्हारी माँ को जवाब दे चुका हूँ। सिर्फ आपका जवाब मेरी और निशा की जिंदगी का फैसला नहीं बन सकता। नहीं नहीं, इस बदतमीजी के जवाब में अगर चाहूँ तो तुम्हारे टुकड़े उड़ा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम अपने आपे भी नहीं, तुम एक दीवाने इंसान हो। हर इंसान के जीवन में एक ही बार ऐसा वक्त आता है जबकि लोग उसे दीवाना समझते हैं। जरा एक लम्हे को याद कीजिए, यही समय आपके जीवन में भी आया था। आपको भी किसी से प्यार था, एक मालदार बाप की बेटी से, और उसके बाप ने भी आपको दीवाना समझा था। धमकियां दी थी, जुल्म ढाए थे, और फिर भी आप दोनों की शादी हो गई थी। और यकीन जानिए, उस समय जबकि आप बेरोजगार थे और मेरी माँ ने आपको पनाह दी थी, तो इसलिए नहीं कि एक दिन आप दौलतमंद हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आपकी पत्नी मेरी माँ की सहेली थी। और अगर उन्होंने आपकी होने वाली औलाद से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा था, तो इसलिए नहीं कि एक दिन आपके पास ये चाय के बागात होंगे, ये फर्नीचर होगा, ये कोठी होगी, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपकी पत्नी अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी थी। ये सारी दास्तान सुनाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ इतनी सी बात कि आज हम दोनों जिंदगी के उसी दौर से गुजर रहे हैं जिसे कभी आप गुजरे थे। हमें अपनी जिंदगी संवारने का वही हक होना चाहिए जो कि कभी आपने किसी से मांगा था। और ये सब इसलिए नहीं कि कभी दो सहेलियों ने कोई वचन दिया था, बल्कि इसलिए कि मुझे निशा से मोहब्बत है और निशा को मुझसे। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है। अगर सच ना होता तो निशा यूं खामोश खड़ी रहती। अब फैसला कर चुके हैं सरदार साहब, अब आपको फैसला करना है। निशा, अगर जो कुछ ये कह रहा है वो सच है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम इसी वक्त इस अजनबी का हाथ थाम कर यहां से जा सकती हो, लेकिन फिर तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मरते दम तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों जा रहा है तुम? लगाओ मेरे मुंह पे कान। आओ निशा, आओ निशा। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं।
शायद आपको जाने की बहुत जल्दी जाइए। आज के लिए इतना ही काफी है। निशा को कुछ खबर नहीं कि मैं तुम लोगों को शहर से शादी के लिए बुलवाया है। वो तुम्हें देखकर बड़ी खुश होगी। आइए। अरे माँ, ना कोई कप ना कोई तार, मुझे खबर की होती मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आता। आप तो बेकार थोड़ी है, काम वाला आदमी बन गया है ना। चलो अच्छा हुआ तुम आ तो गए। ठीक तो अच्छी। सुंदर को मेरे दफ्तर में भेज दीजिए, मैं उससे अकेले ही मैं पूछूंगा, शौर्यत बता दू। खुदा हाफिज। मुझे पता चला तू किस लिए दुखी है, क्यों तेरा खाना पीना छूट गया, किस लिए रातों को उठ उठ कर पागलों की तरह टहलता है। अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया। अब मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। मैं अभी सरदार साहब के यहाँ जाऊंगी। माँ, तुम वहां हर किस नहीं जाओगी, हर किस नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं तुझे तड़पता नहीं देख सकती। मैं इस बार सरदार साहब से नहीं, निशा से मिलूंगी। और उससे मेरे लिए मोहब्बत की भीख मांगोगी? और तुम्हारा बेटा इतना गिरा पड़ा, इतना नीच जलील है कि वो इस भीख को कबूल करेगा? मैं उससे भीख नहीं, अपना हक मांगूंगी। मैं उसे उसकी माँ का वचन याद दिलाऊंगी। माँ का वचन? जिसे अपने वचन, अपने वादे की शर्म नहीं, उसे अपनी माँ के वचन की क्या परवाह है? ये तो क्या कह रहा है? क्या तू निशा से मिल चुका है?
भी इनकार कर दिया। काश मिलते ही उसने इनकार कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे रंगीन सपने दिखाए गए, ऐदो पैमान हुए और मैं आंखें मूंदे पड़ता चला गया एक ऐसे रास्ते पर जिसकी कोई मंजिल न थी। आंख खुली तो उस रास्ते पर मैं अकेला ही था, वो हाथ मेरे हाथों से छुट चुके थे और मेरी मोहब्बत जिस पर मुझे नाज था तम तोड़ चुकी थी। और फिर मैंने जाना वो भोली सूरत कितनी पुरफरेब थी, वो मुस्कुराती आंखें कितना बड़ा धोखा और वो मीठी आवाज कितनी जहरीली। तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए और मैं चुपचाप देखती रहूं, ये कभी नहीं हो सकता सुंदर, कभी नहीं हो सकता। मैं अभी निशा के पास जाऊंगी। किस लिए माँ, किस लिए? मैं तुझे खून के आंसू पीते नहीं देख सकती। मैं उससे तेरा सुख चैन वापस मांगूंगी। मेरा सुख चैन उसके हाथों में नहीं है माँ, उसके हाथों में नहीं है। जो धोखे खाने थे खा चुका, जो सदमे सहने थे सह चुका, इस दिल में अब किसी की तमन्ना नहीं, किसी की आरजू नहीं, अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत नफरत नफरत। इसके बाद भी अगर तुम उस घर में जाओगी माँ, तो मैं तुम्हें भी छोड़ के चला जाऊंगा।
माँ घर में नहीं, शायद मंदिर गई होगी। तुम्हारा शादी का जोड़ा कल का दिन इम्तिहान का दिन है निशा। एक तरफ सोहन दूल्हा बना बैठा होगा और एक तरफ मैं। अगर एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपने फैसले पर शक है तो मुझे भी बता दो। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, अपने टूटे दिल और आंसुओं का वास्ता नहीं दूंगा। निशा, तरस खाकर अगर तुम मेरी हो भी गई तो ये मोहब्बत की जीत नहीं बल्कि मेरी जिंदगी पर ऐसा बोझ होगा जिसे उठाना मुझे पल भर भी गवारा नहीं। मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं चाहिए। सोहन, पोपट लाल जी हाँ, आइए मेरे साथ चलिए। पोपट लाल आ गया, पोपट लाल आ गया, मेरे कपड़े थे। चलिए भाग। अच्छा आदमी बेचारा, वेरी गुड, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। क्या समझे? क्या मामला है? मामला क्या यार, असली पोपट लाल आ गया भाई। तुम लड़की के चक्कर में पोपट मिली ना हमें पैसा, क्या समझे? प्रोग्राम क्या है आप? प्रोग्राम बात ये, ना हमारे पास कपड़े हैं ना पैसा। कुछ छोटे भाई की मदद करो तो दार्जिलिंग वापस पहुंच जाएंगे, तुम्हें याद करेंगे ब्रदर, क्या समझे? एक काम करो। हाँ क्या? यहाँ से फौरन 9:45 हो जाओ वरना तुम्हारे बाकी के कपड़े भी फाड़ डालूंगा। क्या समझे ब्रदर? चले आओ मेरे साथ। मेरे पास एक जमी नहीं, पैसा कहाँ से लाऊं? ये आप जानिए और खन्ना साहब, मेरा काम तक खत देना, वो मैंने पहुंचा दिया। फिक्र मत कीजिए सोहन बाबू, इस धमकी में कोई दम नहीं है। आपका राज खुलने से अगर आप कानून की गिरफ्त में आते हैं तो वो भी नहीं बच सकता। उसने झूठे बयान दिए हैं और उसने जरूरी चिट्ठी कानून से छुपा कर रखी है। जानता, लेकिन मुझे होगी सजाए मौत।
और उसे सिर्फ दो एक बरस। अरे भूल जाइए उसे आप, शादी के वक्त वो हरगिज आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, वो नहीं आया तो कोई और आएगा। सुंदर आने तो दीजिए उसे, मैंने भी अपने सब आदमी तैयार करके रखे हैं। आते ही अगर उसकी हड्डियों का सरमाना बना दिया तो मेरा नाम भी जगदा नहीं। और उसने क्या कहा? जबान से तो कुछ नहीं कहा लेकिन निगाहों से सब कुछ कह दिया। माँ तुम आश्रम पर जाके हमारी राह देती, कल जब सूरज निकलेगा तो सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। या तुम्हें निशा का हाथ थामे आऊंगा और या आगे कुछ ना बोल, आगे कुछ ना बोल। जिद से कोई फायदा नहीं भैया, अब भी वक्त है, शादी रोक दो वरना कल भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अपनी इज्जत बचा लो और उस नाशमझ लड़की को तबाही के मुंह में ढकेल दो, यही चाहती हो ना? लेकिन मैं निशा का बाप हूँ बाप। अपनी औलाद की खुशियों को पांव तले रौंद रहे हो और फिर भी अपने आप को बाप कह रहे हो? तुम बाप नहीं जल्लाद हो। ठीक है, चंद दिनों का दुख जिंदगी भर का सुख बन सकता है तो मैं जल्लाद कराने को भी तैयार हूँ। सुन लो कान खोल के और जाके कह दो निशा से मेरा फैसला कोई ताकत नहीं बदल सकती। कल मेहमान भी आएंगे और बारात भी, और अगर शादी होगी तो सिर्फ शौक से। कल वो बदमाश सुंदर अगर यहाँ आया तो इस बार उसकी लाश यहाँ से निकलेगी। ये दोनों का जोड़ा और गहने यहां कैसे पड़े? ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? बड़ा उठाओ दाढ़ी और निशा को तैयार करके ले आओ। सुना तुमने? मैं ये थाल लेकर उसके पास हरगिज नहीं जाऊंगी। हाथों में मेहंदी लगी है, न बाल सुवे हैं, न किसी ने तुम्हें सजाया है। आज अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो मैं इतना अकेला इतना बेसहारा नहीं होता। दुनिया बदल जाती लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ती। और आज आज अपने हाथों से तुम्हें सुहाग का जोड़ा पहना। सुहाग का जोड़ा या कफन? तुम ठीक ही कह रही हो बेटी, अगर ये कपड़े पहनकर तुम नीचे आ जाओगी तो ये सुहाग का जोड़ा ही रहेगा, और अगर तुमने इसे वापस कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे लिए सुहाग। अगर तुमने इनकार किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे लिए सुहाग का जोड़ा नहीं अपने लिए कफन सिलवाया था। मेरी मोहब्बत की लाश तुम्हारे हाथों में है निशा, ना सिर्फ मेरी मोहब्बत को रुसवा लगाना, मेरी मोहब्बत को रुसवा लगाना, मेरी मोहब्बत को रुसवा लगाना, रुसवा लगाना, रुसवा लगाना, कफन सिलवाया, रुसवा लगाना, कफन सिलवाया, रुसवा लगाना, कफन सिलवाया, रुसवा लगाना, कफन सिलवाया। Thank you.
एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या बात है सरदार साहब, कौन है ये आदमी? ये बातों से मानने वाला नहीं है बाबूजी। आप हुक्म दीजिए, अभी इसको ठिकाने लगा देता हूं। सुंदर, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे टुकड़े उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन आज के शुभ दिन में किसी के खून से इस जमीन को रंगना नहीं चाहता। खैरियत इसी में है, मेरे इरादे से फौरन बाहर चले जाओ। सुना तुमने? आपकी दहलीज पे कदम रखना मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं है। अगर दुल्हन के घर पे दुल्हा के आने का दस्तूर ना होता तो मेरे कदम यहाँ कभी ना आते। बेशरम बेहया इंसान, शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी। अगर जिंदगी प्यारी ना होती तो यहाँ मौत से खेलने ना आता। मेरा सबरनाश बा सुंदर, चला जा रही तुम। आप मेरा सीना बारूद से छलनी कर देंगे, आपके ये सारे साथी मेरे टुकड़े उड़ा देंगे, आपकी रोटी में पलने वाले ये कमीने कुत्ते मेरी बोटियां नोच डालेंगे, यही ना? मुझे मेरी मौत से ना डराइए, जरा गौर से देखिए। इस दोनाली बंदूक से आपको मेरी मौत नहीं, आपके घमंड, आपके गरूर और आपकी झूठी शान की तड़प की लाश नजर आएगी। आज मुकाबला आपकी ताकत और मेरी मजबूरियों का नहीं है, आज इम्तहान है तो उसूलों का, सच्चाई का और कभी ना मिटने वाली मोहब्बत का, जिसका गला आप अपने हठधर्मी से घोटना चाहते हैं। आज लड़ाई है तो इस बात पर कि हमारी जिंदगियां बनाने या बिगाड़ने का अधिकार हमारे हाथों में है या जमाना जहालत के बनाए हुए आप जैसे ठेकेदारों के हाथ में। आपको अपनी ताकत का घमंड है, हमें अपनी मोहब्बत का भरोसा है। उठाइए बंदूक और चलाइए गोली, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर दो इंसान सच्चे हैं, अगर उनका प्यार सच्चा है, अगर दो रूहें एक दूसरे से मिलने को बेचैन है, तो उनकी राह में आप तो आप भगवान भी नहीं आ सकता। मोहब्बत के यही दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन यहाँ से मात खाकर जाना पड़ा। जिसे आपने मात समझा है वो कामयाबी की तरफ पहला कदम था, मोहब्बत की पहली जीत, और आज हाथ मंजिल मेरे सामने है। बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी इंसान हूं,
और मुझे तुम्हें नसीहत करने का कोई हक नहीं, लेकिन अपनी खुशियों का सौदा करने से पहले इतना सोच लो कि तुम इस आदमी की पहली नहीं दूसरी पत्नी हो। निशा, इसकी बात बिल्कुल न मानना, ये सरासर झूठ है। ये उतना ही सच है जितनी की ये बात है कि इस समय मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम मुझे देख रही हो। तुम्हारी तरफ वो भी दुल्हन बनी थी एक सफेद साड़ी में, और वही साड़ी उसका कफन बन गई। और जानती हो उस भागिन का क्या नाम था? उसका नाम था शांत। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या सबूत है? आओ मेरे पास, मैं अभी बताता हूं। निशा, अगर नहीं देखा हो तो देख लो खुद। देख लिया? यही वो इंसान है जिसके छुरे ने शांति का सीना चाक किया सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। यही है वो मुजरिम जिसने अदालत के सामने झूठे बयान और झूठी गवाहियां देकर अदालत की आंखों में धूल झोंकी। लेकिन किसी मासूम का खून रायगा नहीं जाता। कानून के लंबे हाथ हर मुजरिम के गर्दन तक पहुंचते हैं, और यही अंजाम है शांति के कातिल का। निशा, ये आदमी मेरा दुश्मन है, इसकी कोई बात सच नहीं है। अदालत मुझे माफ कर चुकी है, इसलिए मेरा शांति के साथ कोई नाता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। मैं उसे जीवन में कभी नहीं मिला। काश कि तुम उसे जीवन में कभी न मिले होते। काश तुम्हारा मनहूस साया उस पर कभी न पड़ा होता। काश उसने तुम्हारे सुंदर मुखड़े में से तुम्हारी भयानक और गंदी रूह देख ली होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ बेटी। उसे तो जवान मौत मरना था, वो मर चुकी है, मनो मिट्टी में मिल चुकी है। और आज आज जबकि तुम दुल्हन बनी खड़ी हो, मरने वाली की आत्मा कफन ओढ़े तुम्हें देख रही है, तुमसे फरियाद कर रही है। मनाओ खुशियां, रचाओ शादी, और भूल जाओ अपनी सहेली की फरियादों को, क्योंकि मोहब्बत में इंसान अंधा होता है, लेकिन ऊपर वाला अंधा नहीं, बहरा और गूंगा नहीं। वो जरूर इंसाफ करेगा, वो जरूर इंसाफ करेगा, वो जरूर इंसाफ करेगा। निशा, कहां जा रही हो? निशा, निशा, मुझे भरोसा रखो, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। निशा, जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? जब इस होटल मैनेजर की गर्दन मेरे हाथों में होगी तो उसे सच बोलना पड़ेगा, इसलिए कतल का नाम बताने होगा। वरना मां, मैंने पहले तो खून नहीं किया था, लेकिन आज जरूर करके रहूंगा, आज जरूर करके रहूंगा। मेरी बात तो सुनो बिरादर, छोड़ दीजिए हमारी बात तो सुनो, लेकिन ये इंजेक्शन तो लेते जाओ, जाना है तो जाओ। डॉक्टर साहब जरा आओ। कल सुबह ठीक 7 बजे सरदार साहब खन्ना को छोड़ने स्टेशन पर जाएंगे। जीप में सिर्फ 4 आदमी होंगे, सरदार साहब, खन्ना और खन्ना के 2 बॉडीगार्ड। रास्ते में तुम लोग बंदूक के लिए तैयार बैठे होगे। जैसे ये लोग वहां पहुंचे, एकदम से सबका सफाया कर देना। लेकिन सोहन बाबू, पुलिस आकर इंक्वायरी भी तो करेगी। जरूर करेगी, लेकिन शक मुझ पर नहीं, सुंदर पर जाएगा। आज सारी बस्ती ने देखा है कि किस तरह खन्ना ने सुंदर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। निशा उसके हाथ से निकल गई। इस वक्त सुंदर से ज्यादा सरदार और खन्ना की जान का दुश्मन और कौन हो सकता है? बात तो समझ में आती है। We'll be right back.
सुंदर, मुझे मुझे माफ माफ कर। सुंदर, हमें फौरन पुलिस को खबर देनी चाहिए। आप सरदार साहब को लेकर पुलिस स्टेशन जाइए। और तुम? मुझे सोहन से अपना हिसाब चुकाना है। गजब हो गया गजब हो गया। क्या हुआ? सुंदर अरब साहब और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच गया। खन्ना के आदमी तो हमने मार दिए। और खन्ना और सरदार? वो दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, लेकिन मरते मरते खन्ना ने सब कुछ बता दिया होगा। सरकार भागने की कोशिश कीजिए, सुंदर पुलिस को लेकर आता ही होगा। तुम लोग यहाँ ठहरो, टाइगर गाड़ी घुमाओ, बाकी मेरे साथ आओ। बंद कर दो बाथरूम में। अगर आप इस पीछे के रास्ते से जाएं तो उनको पता नहीं चलेगा और सोहन को आप आसानी से गिरफ्तार कर सकेंगे। ठीक बात। चलाना कहां की बहादुरी है? मर्द हो तो इसे फेंक कर सामने आओ। Thank you.
आज के लिए इतना ही काफी है। दिल का पर्दा खोल दो, नी 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 नी।